हाजी भाईजान जो कि मैं इनको भाई बुलाती हूँ, भाई मानती हूँ, एक भाई बहन का रिश्ता है, और रिजवाना कुरेशी बोलूँ या खोजा बोलूँ, ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि क्या है ना कि मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियो भी बनाया था, मैंने हाजी भाई को भी बहुत सपोर्ट किया था, हाजी भाई के साथ मेरी बात भी हुई थी। एनीवेज जो भी हुआ था, हमारा एक भाई बहन का रिश्ता था, जो भी था, तो मैंने उनको बहुत समझाया था, बहुत बोला था, वीडियो भी बनाया था बाकायदा, आप लोगों ने देखा होगा, कि अलग मत हो, बच्चों की खातिर एक हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अलग हम तब होते हैं कि जब एक दूसरे के लिए दिल में करवाहट होती है, बहुत गुस्सा होता है, हम उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। यहाँ पे जो है ना बॉलीवुड मूवी चल रही है, ये जो है ना मिनी रणटाक और मिनी सायरा जो है ना, सायरा ने नाम जो है अंजुम को गलत दिया, मिनी रणटाक हमारे हाजी भाई बन गए हैं और मिनी सायरा जो है वो रिजवाना भाभी जी बन गई है। अब उसको भाभी बोलूँ कि क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यूजुअली क्या होता है ना हमारे मुसलमानों में, जिन हिंदू लोगों को पता नहीं है, जैसे कि हिंदुओं में ना अगर औरत विधवा होती है तो औरत जो होते हैं शाद तक जो होती है शोक मनाते हैं, मतलब शोक जिसको बोलते हैं शोक मनाते हैं, तो हमारे इस्लाम में जो है ना 3 महीना 10 दिन यानी कि 40 दिन का जो है इद्दत मनाते हैं, शोक मनाते हैं, ठीक है। और अगर हस्बैंड अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो किसी के साथ भी मर जाए तो 4 महीना समथिंग दिन का वो शोक मनाते हैं, ठीक है। और तलाक के बाद तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ख़त्म होने के बाद तो दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरूम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। तलाक का मुद्दा क्या था कि हाजी भाई जो है रिजवाना को मारते हैं, इसलिए उन्होंने तलाक लिया, ठीक है। मुद्दा तलाक का ये था कि हाजी भाई ने रिजवाना को बहुत मारा जिसके वजह से तलाक हुआ। हाजी भाई हालांकि इस तलाक के खिलाफ थे, उनको तलाक नहीं चाहिए था, बट रिजवाना ने बोला कि उनको तलाक चाहिए, इसलिए हाजी भाई ने साइन किया। तो ये तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हाजी भाई के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है, उनको रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए था, मतलब वो नहीं चाहते थे रिश्ता ख़त्म करना, लेकिन रिजवाना को रिश्ता ख़त्म करना था। क्यों? क्योंकि हाजी भाई ने रिजवाना के ऊपर हाथ उठाया, ठीक है। तो भाई अगर तुम अपने पति ने, तुम्हारे पति ने तुमको मारा, उस वजह से अगर तुम अगर परेशान होकर तुम तलाक ले रही हो, तो अब ये प्यार कहाँ से उमड़ रहा है भाई। और अगर ही इतना प्यार उमड़ रहा है, इतना ही प्यार तुम दोनों के बीच में है, तो तलाक ही नहीं लेना था, इतना सब तमाशा ही नहीं करना चाहिए था। अब मेरी बात समझ रहे हो, हम तलाक मतलब कि यूजुअली अगर मैं अपने पति से तलाक लूँगी, ठीक है, तो क्यों लूँगी? कि मुझे उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही है, मेरा सब्र का बांध टूट चुका है, मैं उसको नापसंद करने लग गई हूँ, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत तो ख़त्म कब का हो चुकी है, लेकिन एक नफरत का जो रिश्ता है वो पनप चुका है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम तलाक लेंगे। अगर मुझे अपने पति की हरकतों से अगर मुझे नफरत भी है और मुझे प्यार भी है, मगर मैं तलाक भी ले रही हूँ, तलाक के बाद जो है जान जान करके बुला रही हूँ, चिपक के बैठ रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो वो तो गलत है ना, ये तो सरासर गलत है और ये तमाशा ही है। एक किस्म से देखा जाए, जो लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रामा है, ड्रामा है, तो आप इसको सही मानेंगे? और कहीं ना कहीं से बहुत गहरा, बहुत ही गहरा सूत्रों से मुझे ये भी पता चला है, वो गहरा सूत्र वहाँ का है, जिन्होंने एक टाइम पे उनको सपोर्ट किया था, वहाँ से मुझे पता चला है कि ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, जो पेपर से वो फेक बनाया गया है लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, ये सब ड्रामा किया गया है ताकि पब्लिक को जो है ना, पब्लिक को ये दिखा सके कि भाई ये पति पत्नी नहीं है, लेकिन रह रहे हैं एक ही घर में। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जो सुनने में आया है, क्योंकि मैं नहीं रह रही उनके साथ और मैं उनके घर में जाके भी नहीं देखा, लेकिन उनके ही किसी खास ने, बहुत खास ने मुझे ये चीज़ बताया है कि वो लोग एक ही घर में रह रहे हैं, वो उनका रिश्ता भी है, उनका तलाक भी नहीं हुआ है, घूम फिर रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई अगर तुमको साथ में घूमना ही था, तुमको साथ में खाना भी था, तुमको साथ में सोना भी था और तुमको साथ में रहना ही था, तो ये तलाक का ड्रामा क्यों किया? हम मैडम जी बोली कि डिवोर्स हो गया, और कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाला था डिवोर्स का, उसमें लिखा है कि हमारे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। समझ गया अब समझ जाओ, हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। जो औरत, जो मियाँ बीवी अपने घर की, अपने रिश्ते की, अपने चार दीवारी की सारी बातें सोशल मीडिया में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोले,
ठीक है। मियाँ बीवी ने भर भर के एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये सब अपलोड हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है कि हमारे जो है ना प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। भाई तुम्हारी प्राइवेसी का अगर तुमको इतना ख्याल होता तो तुम सोशल मीडिया पे ये सब गंद तो ना फैलाती। तुमसे अगर तुम लोगों से अगर तुम लोगों का रिश्ता नहीं संभाला जा रहा तो किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ कर सलाह लेते, किसी काजी मौलाना वकील रिश्तेदारों के बीच में बैठ कर ये जो है मामला सुलटाते। अगर यूजुअली मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, घर के बड़ों को बुलाते हैं, ठीक है, घर के बड़ों को बुलाते हैं, काजी मौलाना वकील उन सबको बुलाते हैं, जो भी मैटर उनके पास जाते हैं, जाके बैठ के उनके पास जाके ये मैटर जो सुलझाते हैं। क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मेरे हस्बैंड भी मुस्लिम हैं, हमारे बीच में न जाने कई सारे झगड़े हुए। इनफैक्ट आज भी हमारा झगड़ा ही चल रहा है। मैं उससे बात करने में मतलब मैं उसके साथ में मेरा झगड़ा चल रहा है, मैं गुस्सा हूँ उससे, खैर जो भी है। तो हमने भी ऐसे दिन देखे कि हमको मौलानाओं के पास जाना पड़ा। ऐसा दिन भी आया कि रात के 12:30-1 बजे उसके माँ बाप को भाई को बुलाना पड़ा। तो यूजुअली ऐसा होता है कि किसी भी कपल के बीच में अगर कोई दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे माँ तो है नहीं, बाप और भाई यहाँ पे रहते नहीं है, तो मैं उनको चाह के भी नहीं बुला सकती। तो बुलाना किसको है, उसके फैमिली के लोगों को, और उसके फैमिली के लोगों के साथ नहीं जमती है या फिर कनेक्शन नहीं है या फिर उनकी सलाह मशवरा मुझे नहीं जमती है, तो हम किसी बड़े बुजुर्ग किसी ज्ञानी लोग के पास जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपना रिश्ता अगर नहीं समझ रहा था, पूरा आके सोशल मीडिया में हक दिया। अब हकने के बाद जो है, हाजी भाई को मैंने सपोर्ट किया था, उनकी वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा था, पर्सनली भी उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ। अब ये सुनने में आ रहा है हाजी भाई बोल रहे हैं कि वो तो मैंने गुस्से में बोला। ले भाई, अगर तुमने ये बात गुस्से में बोला तो मतलब कि हम चूतिया है जो हम तुमको सपोर्ट कर रहे थे। पहले रिजवाना ने रो धो के तमाशा किया, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया, मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उसका तमाशा देख के हम पिघल गए थे, हम उसको सपोर्ट करने लगे। फिर हाजी भाई आए, आके वो अपना दुख सुना के रोने लग गए कि मेरा घर तोड़ा आरिफ ने मेरा घर तोड़ा बोल के, तो उसके तरफ उसका वीडियो देखा तो हमको बुरा लग गया। तो फिर हम उसके सपोर्ट में होकर उसको समझाने लगे। फिर दोनों की तलाक का मामला आ गया तो हम चिल्ला के बोल रहे थे कि बच्चों का सोचो, और इन्होंने तो बच्चों का छोड़ो अपनी जिंदगी का भी मजाक बना दिया। सोशल मीडिया में झगड़ा कर रहे हैं, सोशल मीडिया में तोहमतें लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में एक दूसरे को चड्डी मैन से लेकर नंगा करा जा रहा है, खुशी भाई से लेकर न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। फिर डिवोर्स भी उनका हो जा रहा, फिर डिवोर्स की पार्टी भी हो जा रही, कोहिनूर और क्या कहाँ पे जो है खाना खा रहे, वो खुनाफा से लेके आइसक्रीम से लेके हर चीज़ खाया जा रहा है। बार बार जाना हो रहा है ऑफिस में, बार बार पेपर के चक्कर में जाना हो रहा है, पेपर लाने जा रहे हैं, साइन मारने जा रहे, ये करने जा रहे, वो करने जा रहे हो जा रहा। फिर पार्टियां भी चल रही, फिर जान जान में उनके हाथ पकड़ के भी चला जा रहा, फिर एक साथ जो है गले भी लगाया जा रहा है। सब कुछ अगर तुम लोगों के बीच में हो रहा है तो भाई ये डिवोर्स का तमाशा क्यों, पब्लिक को चूतिया बनाना क्यों? और अगर डिवोर्स के बाद भी तुम मियाँ बीवी की तरह रह ही रहे हो तो भाई पब्लिक मुझे आप लोग ये बता दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि यूजुअली मुसलमान औरतों के लिए इद्दत जो है ना वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो आफ्टर डिवोर्स एंड अगर ना करे अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, अगर हस्बैंड का इंतकाल हो जाए, यहाँ पे इद्दत तो छोड़ो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि डिवोर्स सेलिब्रेशन हो रहा है। ये तो राखी सावंत पार्ट टू होगी। ऐसे राखी सावंत ने अपने डिवोर्स के बाद नाचा था, पता नहीं क्या क्या किया था, सेलिब्रेशन किया था, तो इनको हम क्या बोले। फिर ये बोलती है कि आप जो है वो रो रहे हैं उनके ऊपर, प्लीज़ आप कुछ मत बोलना, आप उनको ऐसा मत बोलना वैसा बोलना। अरे हम क्या बोले, तूने ही तो बोला, जानवर तो तूने उसको बनाया, लोगों के सामने बुरा तूने उसको बनाया, अब पब्लिक अगर ओपिनियन दे रही है तो तुझे मिर्ची क्यों लग रही है। अब पब्लिक तो ओपिनियन देगी, हाँ पब्लिक है, जनता जनार्दन के सामने। मुझे अभी भी याद है एक बाजी आई थी, क्या नाम था उनका, रिहाना आंटी के साथ जब वो शुरू में स्टार्टिंग में लाइव कर रही थी, यास्मीन आपा आई थी। यास्मीन आपा ने बोला था कि देखो ये सोशल मीडिया में बोल के नहीं होगा, तुम लोगों को अगर चाहिए तो कोर्ट में जाओ। अब मुझे लग रहा है यास्मीन आपा उस टाइम में बहुत सही थी, तो उन्होंने बोला था ये 2-3 हज़ार लोगों के सामने ये दुखड़ा गा के कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट में जाओ। सही बोला था यास्मीन आपा, हमें तुम लोग लाइव आ रहे हो, लाइव आके चुमन चाटी कर रहे हो, ठीक है तुम लोग का डिवोर्स भी होना है, तुम अलग भी होना है, सोशल मीडिया में तुम लोग लाइव हो, न जाने कितने लोग लाइव में थे, कोई माँ की उम्र का होगा तो कोई माँ से बड़ी उम्र की होगी, कोई माँ से छोटी उम्र की होगी, कोई छोटी बहन की उम्र की होगी, कोई बड़ी बहन की उम्र की होगी, कोई हम उम्र की होगी, कोई आदमी देख रहा होगा, तुम लोग आके चुमन चाटी करो। भाई तुम लोग का अगर इतनी ही गर्माहट है, होता है हर कपल में ही होता है, इतना ही प्यार मोहब्बत है तो ये डिवोर्स का तमाशा क्यों? मतलब कि यही है ना कि तुम लोग पब्लिक को चूतिया बना रहे हो फेम के लिए,
कि जो बीच में जो सोशल मीडिया का जो चैनल तुम लोगों का ठंडा हो चुका था, अब वो फिर से जो है वो आग जल जाए, तुम लोग थोड़ा सेंसेशनल हो जाए, ट्रेंडिंग में आ जाए कॉन्ट्रोवर्सी करके। क्योंकि ये मुंबई के ना कुछ सात आठ आंटी ऐसी है, सात आठ आंटी ऐसी है जिनको अपनी पर्सनल जिंदगी में अच्छा बनने से ज़्यादा और अच्छा करने से ज़्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में रहना बहुत पसंद है। और ये कुछ सात आठ आंटियों की वजह से ही जो है ना हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना वो ख़राब हो रही है। भाई मुस्लिम कम्युनिटी में तो हम भी है, झगड़ा हमारे बीच में भी होता है और काफ़ी होता है, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज है, हमारी लाइफस्टाइल से लेके खान पान से लेके हमारा सब कुछ, उठना बैठना बोलना चलना मेंटेलिटी थिंकिंग अपब्रिंगिंग एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग हमारा टोटली डिफरेंट है, ऑपोजिट है। ये लोग ज़्यादा तीखा खाते, हम तीखा ना के बराबर खाते। ये लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते, मसाला खाते, मसाला ना के बराबर खाते। इन लोगों का थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो अलग है, हमारा अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो बोलूँगी 100% ही हमारा एकदम टोटली ऑपोजिट है। फिर भी हम लड़ के भी झगड़ के भी हम रह रहे हैं, पति की कमाई से नहीं हो रहा है तो मैं खुद कमा रही हूँ ताकि बच्चों के लिए हो सके। दैट डजंट मीन कि तुम बच्चों का ना सोचो, क्योंकि एक औरत का देखो मर्द भी उतना ही जिम्मेदार है, हाजी भाई भी उतना ही जिम्मेदार है जितना रिजवाना है। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, इस इंडियन कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में ना औरतों को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। ठीक है, एक मर्द अगर 3 से 4 बार भी शादी कर ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कोई इतनी उंगली नहीं उठाता है। वो 3 से 4 बार शादी करेगा भी तो वो उसका चारों डिवोर्स भी हो जाए तो चारों डिवोर्स का जो रीज़न है वो बीवी को ही ठहराया जाएगा, ज़रूरी ख़राब है। ठीक है, अंदर की बात कोई नहीं पूछेगा, लेकिन लोग अजम्पशन ये बनाएंगे कि ये औरत है इसने तलाक लिया मतलब ये ख़राब है। ठीक है, लेकिन वैसे ही सेम अगर एक औरत का एक भी डिवोर्स हो जाता ना, अरे अल्लाह तौबा माफ़ करी, इसने डिवोर्स ले लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, कैसी औरत है, ये वो है, ये हमारे इंडियन सोसाइटी का ये एक क्या बोलो नैरो वे ऑफ थिंकिंग है। जी हाँ, मैं नैरो ही बोलूँगी, क्योंकि एक रिश्ते में जिम्मेदार दोनों होते हैं। ठीक है, एक रिश्ते को चलाने का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। ऐसा नहीं है कि एक कोई एक ही खींचे, एक खींचेगा भाई कब तक खींचेगा, रबर की तरह खींचता जाएगा और दूसरा वाला जो पार्टी है वो अगर जिद करके वही बैठ जाएगा, वो खींचता रहेगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो हाजी भाई भी बराबर इक्वल वो जिम्मेदार है, इस चीज़ का दोषी है। मगर रिजवाना एक औरत है एंड मोर ओवर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो 3 बेटियों की माँ है, जिन बेटियों की शादी, चाहे वो भले ही करोड़पति हो, वो जितने भी करोड़पति रहने दो, लेकिन बेटियों की शादी तो करवानी है। आगे जाके मैं तो लिख के दे सकती हूँ रिजवाना की बेटी IAS या फिर IAS या फिर जो भी है, वो तो नहीं बनने वाली, वो नहीं बनने वाली, बनेगी तो बिजनेसमैन बनेगी या तो किसी के घर की बहू बनेगी। तो तुमको बींग ए मदर, बींग ए वुमेन, बींग ए मदर ऑफ 3 गर्ल्स, तुमको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं आज ये जो चीज़ें कर रही हूँ इसका सीधा सीधा असर, तुम तो नंगे हो चुके हो, तुम्हारी तो सोशल मीडिया में कोई इज्जत नहीं रही। क्योंकि अगर कोई शरीफ घर की औरत जो होती है ना, वो अपना काम बासना जो भी होता है अंदर का जो देसी लैंग्वेज में बोलूँगी चलती लैंग्वेज सेक्स का जो होता है, वो अपने बेडरूम के अंदर तक रखती है, सोशल मीडिया में आके नहीं बताती है, चुम्मन चाट नहीं करते। हम भी मियाँ बीवी, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं पिछले एक साल से मैं सोशल मीडिया में हूँ, लेकिन आज तक मेरा कोई नाश्ता है रील किसी को नहीं दिखाई दिया होगा, और ना ही मेरे को मैं खुद को मेकअप करके थोबरा सजा के आके रील बनाती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे खुद को दिखा के बेचने नहीं आई हूँ, खुद को बेचने नहीं आई हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैं अर्न करने आई हूँ मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, कभी कभी मेरे पति भी घर में रहते हैं, मैं व्लॉग को थोड़ा सेंसेशन बना के लिए, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए, थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, पति की गोद में जाके बैठ नहीं सकती, ना पति को जाके हक कर सकती हूँ, ना पति को जाके पप्पी चप्पी कर सकती, क्योंकि हम जो भी सोशल मीडिया करते हैं, डिजिटल ज़माना है, ये यहाँ पे सब कुछ रह जाता है, भले ही मैं अपने चैनल से रिमूव कर दूँ, लेकिन कोई और भी वो चीज़ जो है ना स्क्रीनशॉट करके रख सकता है, या फिर जो लोग मुझे पसंद नहीं करते मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं वो भी डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समहाव वो चीज़ें रह जाती है। तो कल को जब मेरी बेटी की शादी होगी और रिश्ते ढूंढने जाएंगे और लोग जब सर्च करके देखेंगे तो लोगों के माइंड में एक ही चीज आएगा, अरे इसकी माँ ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है तो बेटी न जाने कैसी होगी। कल को मेरा बेटा उसके दोस्तों के साथ उठेगा बैठेगा, ठीक है, डिजिटल ज़माना है, जो पास्ट की भी चीज़ें, 10 साल पीछे की चीज़ें वो भी आज जो है ऑनलाइन मौजूद है। ठीक है, 20 साल पहले की मूवीज़ भी ऑनलाइन मौजूद है कि नहीं है। तो कल को जब उसके दोस्त लोग बोलेंगे अरे जा रहे तेरी माँ ने ऐसा किया था, तेरे बाप ने ऐसा किया था, तो वो भी शर्मिंदा होगा कहीं ना कहीं। तो हमारा हर एक एक्शन का जो रिएक्शन है उसका सीधा असर हमारे बच्चों पे पड़ते हैं। ठीक है, और एक औरत जब माँ हो जाती है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी जो बेसिक सी चीज़ें वो हो ही जाता है, हमारे बच्चे होते, पता भी नहीं होता है,
हमारे बच्चे हमारे प्रायोरिटी होते हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया में थोड़ा सा फेमस होने के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए इन्होंने अपनी तो इज्जत मार ली। इनकी इज्जत की तो कोई मतलब कि कोई बोलो धज्जिया उड़ा दी जिसको आप बोल सकते हो। मुझे लगता है जो लोग इनको कल को एक आइडियल कपल मानते थे वो भी आज उनके ऊपर थूक रहे। लेकिन इनकी जो तीन चार बेटियाँ, जैसे रिजवाना की पहले एक बेटी है, हारून भाई की पहले एक बेटी है, और इनके दोनों की मिला के जो दो बेटी है टोटल चार होगी, इनकी तो बहुत अच्छे से मारी गई ना। क्योंकि रिजा और आयजा छोटी है लेकिन बाकी तो बड़ी है। आज से 10 साल बाद 5 साल बाद उनकी शादी तो करानी है, और हमारे मुस्लिम्स में तो यूजुअली थोड़ा जल्दी शादी होती है। ये शायद हमारे हमारे शायद ये इबू कापा इस्लाम में जल्दी शादी होना क्या होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, गुनाहों से बचना। हाँ मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, क्या हुआ, अच्छा दरवाजा लगा, तो गुनाहों से बचना होता है। तो यूजुअली हमारे मुसलमानों में चाहे लड़का हो या लड़की हो हमारी जल्दी शादी हो जाती है। तो 5 से 7-10 साल बाद उनकी बेटियों की शादी होनी ही है, ठीक है। तो जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी और जब रिश्ता जो ढूंढा जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम क्या मुंह दिखाओगे, और बच्चों के ऊपर तुम्हारे बच्चे जो आज ये चीज़ें देख रहे, बाकी दो छोटी चीज बच्चियों को भी सफ़र हो रहा है, ये तुम लोग जा रहे हो आ रहे हो लड़ रहे हो वीडियो बना रहे हो, लोग घर में आ रहे हैं, तुम लोगों के घर में जा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा रहे हो, बच्चे भी मेंटली हरास हो रहे हैं, और बड़ी वाली जो बच्ची है वो भी मेंटली हरास हो रही है, और बड़ी वाली बच्चियाँ भी तुम लोगों से वही चीज़ देख रही है सीख रही है। तो इसका सीधा जो असर है, गुनो गुनो दरवाज़ा बंद करो बेटा, भाई के भाई सो रहा है ना, आ जाएगा, तो सीधा असर तुम्हारे बच्चों पे ही आएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अगर तुम लोग को डिवोर्स लेना था डिवोर्स ले लिए, इज्जत में जाओ हाजी भाई भी, अपनी ज़िंदगी में लौट जाओ, बार बार ये तमाशा करने की धिंगाना करने की ज़रूरत नहीं है, गैर महरम हो ना तुम दोनों एक दूसरे के लिए, तो डिस्टेंस मेंटेन करो। और अगर तुम लोग को चुम्मा चाटी करना था, हक करना था, जानो मोनो सोना पापा जो भी है बोलना था, पहले तो वो बोल रही थी अपने वीडियो में मम्मा टम्मा चम्मा करके वो आता है, तो अब तो तू भी जानो बुला रही भाई, तो अब भी जान बुला रही है, सॉरी जानू नहीं जान बुला रही है, ठीक है। तो अब तेरे वो गुस्सा कहा गया भाई, और अब तेरी तोहमतें कहा गई, और अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो ये डिवोर्स का ड्रामा क्यों। और मुझे तो ये भी मुझे एकदम पक्का खबर मिली है, एकदम बहुत उनके करीबी से मिला है कि इनका कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं हुआ है, पब्लिक को छुट्टियाँ बनाया जा रहा है, ये एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही साथ खा रहे हैं, और उसका प्रूफ मेरे पास है लेकिन मैं सोशल मीडिया में डालूंगी नहीं, उस इंसान का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, साथ घूम रहे खा रहे पी रहे सब हो रहा है उनका, ठीक है। तो भाई पब्लिक को छुतियाँ बनाना क्यों, और तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने फेम के लिए अच्छी चीज़ की, उल्टा तुम लोगों की बेइज्जती हुई, और तो और कैप्शन में लिखा जाता है कि हमारे प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो, वो भी कौन बोल रहा है जिन्होंने अपने घर की सारी बातें सोशल मीडिया में उगली है। तो चलो ये तो था एक मेरा पॉइंट, देखो मेरा पर्सनली किसी से कुछ भी नहीं, हाजी भाई मेरे भाई है उनको मैं भाई मानती हूँ, बट मेरा एक रोस्टिंग चैनल है और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है एज ए व्यूअर। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट के थ्रू करते हैं जिनके पास चैनल नहीं होता है, तो मेरे पास चैनल है तो मैं अपने चैनल के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, आगे भी शेयर करूँगी। मैंने बहुत दिनों से ये चीज़ अवॉइड करी कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं बोलना है, मुझे आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे, कई सारे कमेंट मेरे वीडियो के नीचे पड़ा है कि हारून और रिजवाना के ऊपर बनो, मैंने इन लोग बने कुछ लोग को रिप्लाई भी दिया है, पर्सनली भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया है कि आप बोलो, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना था इन सब चीज़ों पर। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जब हमारे रिलीजन के ऊपर बात आ जाती है ना, बात जब हमारे रिलीजन के ऊपर आती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे नहीं हजम होता है, क्योंकि इस रिलीजन में आने से लेकर रहने तक मैंने हज़ारों ऐसे एक्सपीरियंसेस किए, इवन अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर इस रिलीजन से निकलना होता ना, मैं यूँ चुटकी में निकल के अपने घर जाके बैठ जाती, ना मेरा पति रोक सकता था और ना मेरा बाप मना करता, ठीक है। और मैं एक लग्जरियस एक अच्छी सी लाइफ जीती, यहाँ पे मुझे यूट्यूब में मेहनत करना पड़ा, अकेले दोनों बच्चों को पालना पड़ा, सब कुछ मैनेज करना पड़ा अकेले, मुझे आसानी से इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाता, बट मुझे ना शिर्क करना था ना मुझे कोई चीज़ हराम की करनी थी, और डिवोर्स तो एक ऐसी चीज़ है कि हलाल होते हुए भी अल्लाह को नापसंद है, तो मुझे ऐसी कोई गंदी चीज़ें नहीं करनी थी जिससे मेरा अमाल भी ख़राब हो और जिसका डायरेक्ट असर जो है मुझे या मेरे पति को तो छोड़ो मेरे बच्चों के ऊपर आए। भले ही मैं दो रोटी जो है सूखा खा लूँ, लेकिन इज्जत की ज़िंदगी जीऊँगी, हाँ हलाल की ज़िंदगी जीऊँगी, मुझे ये पसंद है। और जब बात मेरे इस्लाम पर आ जाती है तो वहाँ पे बोलना तो बहुत लाजमी हो ही जाता है। तो चलिए अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हारून और रिजवाना के ऊपर आएगा ज़रूर आएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करो, तभी जाके आएगा वीडियो। तुम लोग लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो मेरा दिल भी छोटा हो जाएगा, फालतू का यहाँ पे आकर 20-25 मिनट के लिए मैं बर्बर करूँगी पागलों की तरह, इससे अच्छा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो कभी कभी ऐसा मेरा मन होता है
तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, इससे तुम लोग का अकाउंट से जो है ना बैलेंस डिडक्ट नहीं होगा ना मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, पर मुझे तो जो है ना क्या बोलते उसको वो मिलता है, ताकत मिलता है। एनीवेज, और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो अल्लाह हाफिज़। एंड अगर मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का दिल दुखाया है सो हरुण भाई रिजवाना का, देन आई एम सॉरी, बट आप लोगों ने जो किया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ना मुझे पसंद आ रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अपना जो ओपिनियन शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।